मुसद्द लिसल सकल हमारी किताब का जो के सारे मज़ामीन जो है, वो मजीद पर, हैं, वो कुरान-ए-मजीद की पर उससे अखज किए गए हैं कि एक ईमान वाले की जिंदगी का जो हर एस्पेक्ट होता है चाहे उसकी इबादत है चाहे उसकी कुर्बानियां हैं चाहे उसकी जिंदगी है चाहे उसकी मौत है हर चीज में उसकी कोशिश क्या होती है कि वो अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक हो और इनशा इस किताब में हम चुके अपनी ज़िंदगी के एक अहम जो हकीकत है मौत की और फिर साथ साथ ये कि कौन सी चीज़ें हमारी मौत को इनश खुशगवार अमल बना सकती हैं हमारे लिए किस तरह हम इस ज़िंदगी को प्रोडक्टिव तरीके से गुजारें तो ये सारी बातें इनशल हम इस किताब में पढ़ रहे हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद रूहानी और जिस्मानी जिंदगी का टॉपिक कवर कर लिया और अब हम पढ़ रहे हैं बीमारी इलाज और के आदाब इंशाल्लाह और फिर इस किताब को पढ़ने का हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है कि बेहतरीन जिंदगी गुजारें ताकि इंशाल्लाह मौत भी बेहतरीन हो फिर हमने पिछली दफा जैसे कुछ चीजें पढ़ी थी इलाज के बारे में और इलाज में सबसे पहली चीज क्या थी कि प्रिवेंशन यानी बीमारी हमारी तकदीर में आप देखें लिखी हुई होती बीमार इंसान जहां पर सेहत है वहाँ बीमारी भी है यानी अगर आप देखें तो ये जो जिंदगी है ना ये मुख्तलिफ ताज़ात हैं इसमें ना जैसे आप देखें मसलन धूप है तो छाऊ है ठीक रात है तो दिन है खुशी है तो गम है मुसीबत है और आसानी है तो इसी तरह सेहत है तो बीमारी है यानी अगर जब हम अपनी जिंदगी का पूरा एक एनालिसिस करते हैं हम देखते हैं कि जिंदगी तो मुसलसल एक तजाद का नाम है हर चीज साथ साथ चलती है तो इसमें इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक इंसान पैदा होता है और फिर वो वो दुनिया से जाएगा तो वो हमेशा सेहतमंद रहेगा जहां पर हमारी जिंदगी है सेहत है वहां पर बीमारियां भी आएंगी तकलीफ भी आएंगी और लेकिन इंसान क्या कर सकता है कि उन चीजों को जैसे ज्यादा जिसको आप कह सकते हैं सिवेरिटी से बचा सकता है कुछ एहतियातें कर सकता है ताकि अगर बीमारी आए भी तो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि वो जल्दी से रिकवर कर सके ना अभी भी आप देखें कि आपने ये कोविड जो इरा हमारा गुजरा इसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ है ना यानी ऑलमोस्ट आप देखें कि हर फैमिली में ही किसी न किसी को हुआ लेकिन अब ये था कि हर एक पे इम्पैक्ट उसका डिफरेंट था और उसकी वजह क्या थी कि एक तो ये कि जो लोग बहुत रेगुलरली सुबह शाम की दुआएं और शिफा की दुआएं पढ़ रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उन दुआओं की तासीर से और अल्लाह की रहमत से वो जरा स्पिरिचुअल इम्यूनिटी उन, उनके अंदर स्ट्रांग थी दूसरा ये कि जिन लोगों ने अपनी डाइट को भी जैसे अच्छी डाइट थी उनकी लाइफ अच्छा था उन पर भी आप देखें कि उसका असर कम हुआ जैसे बाज लोगों के साथ तो ऐसे हुआ कि जैसे मैं किसी को जानती हूँ तो मंडे को उनकी फ्लाइट थी और संडे का उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया और फिर थर्सडे को वो थे फिर नेगेटिव हो गया और कोई भी सिम्टम्स नहीं थे उनको तो वही बात है कि बाज़ा जब हम अपना ख्याल रखते हैं और रूहानी तौर पर भी और जिसमानी तौर पर भी यानी आप देखें कि सिर्फ एक एस्पेक्ट को ना देखें कि बस मुझे ना विटामिन सी ज़्यादा लेनी चाहिए और मुझे जिंक खाना चाहिए और मसलन कुछ चीज़ें जो बताई जाती हैं ना वो भी करें लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी कि क्योंकि इन चीजों में तासीर अल्लाह सुबहाना ताला पैदा करते हैं ऐसा ही है ना आप देखें अगर रिएक्शन होना हो तो लोगों को टायलनऑल से भी रिएक्शन हो जाता है यानी मैंने एक दफा किसी के बारे में पढ़ा कि उन्होंने हेडिक के लिए टायलनऑल ली और वो उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया उसकी वजह से यानी कोई इमेजिन कर सकता है कि ओवर द काउंटर एक दवाई मिलती है और वो किसी पर इतना ज्यादा उसका सवेयर इफेक्ट हो तो अगर हम एक दवाई खाते हैं और हमें यू you नो know, उससे फायदा हो रहा है तो उस दवा में तासीर अल्लाह ने रखी है तो हमें ना अपनी जिंदगी में इन इन चीजों को साथ साथ लेके चलना है अल्लाह से दुआ भी अपनी जैसे खास तौर पे आप देखें रुकिया सुने रेगुलरली फिर हिफाजत की दुआएं अल्लाह सुबहन तला से मांगे सुबह शाम की दुआएं बिल्कुल आपने कभी भी नहीं छोड़नी फिर साथ, -साथ शिफा की दुआएं नज़र की दुआएं ये एज अ प्रिकॉशन आप लोग पढ़ा करें जरूरी नहीं होता के और मैं तो ना ये भी दिल में जैसे नीयत होती है मेरे जैसे तौर पर हम जो अपनी जिंदगी में मुखलिफ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं ना तो उससे इंसान के दिल में खौफ भी आता है ना कि ये देखो क्या हो गया जैसे आप देखें कि मसन अल्हम्दुलिल्लाह कोई हेल्थ इशू नहीं है लेकिन फिर भी इंसान नज़र की दुआएं पढ़े और तकलीफ की शिफा की क्या ये क्या पता कोई के अंदर कोई चीज़ बिल्ट हो रही हो या you know, रही या कोई बीमारी यू नो उसके सिम्टम्स बन रहे हो जैसे आप देखें ना कि बार दफा होता है कि एक दम से कोई जाता है और उसको किडनी में कैंसर निकल आता है कोई जाता है आम एक रेगुलर टेस्ट के लिए और पता चलता है कि उनको लंग्स कैंसर हो गया कोई जाता है आम से किसी रूटीन चेकअप के लिए और पता चलता है कि यूट्रस में स्टेज वन कैंसर है यानी ये अब हमें तो नहीं पता जिसम के अंदर क्या क्या हो रहा है तो आप जब अपने ऊपर दम करते है ना पूरे जिसम पे तो आप दिल में ये नियत फिर किया करें कि अल्लाह सारी बैरूनी भी और अंदरूनी भी बीमारियों से महफूज रखना कि अगर कोई ऐसी बीमारी अंदर आ, बन रही है या यू you नो know, कोई सेल्स ऐसे एक्टिव हो रहे हैं तो अल्लाह सुबह तहमत से उन सारे सेल्स को इनएक्टिव कर दे और हमें बीमारियों से निजात दे तो इनशाला जहां पर अपने जिसम का ख्याल रखेंगे वहां पे साथ साथ हमने अपना रूहानी इलाज भी करना है ठीक है और फिर खास तो पे जैसे कुछ चीजें हमने पिछली दफा देखी थी कि सीजनल चेंजेस आ रही हैं तो आप कपड़े और यू you नो know, अपनी डाइट में बेहतर कीजिए फिर इसी तरह यह कि अगर आपको पता है कहीं पर बीमारी फैली हुई अगर मजबूरी है वहां पर जाना तो फिर अपनी प्रिकॉशंस लेके जाइए और अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो फिर जरूर अवॉइड करें और फिर इसी तरह हमेशा इस बात का हमें यकीन रखना है कि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज ना उतारा हो अच्छा एक चीज जो मैं अभी कल तैयारी कर रही थी तो मेरे जहन में एक पॉइंट आया कि ये बताएं कि क्या बीमारियों का इलाज सिर्फ दवाइयों में होता है आपका क्या ख्याल है नहीं दवाई दवाइयों के अलावा क्या होता है बीमारी का इलाज किसी भी चीज में हो सकता है यस yes. आप देखें दुआओं में और साथ साथ हो सकता है कि फूड में कोई ऐसी चीज हो यानी आप कोई फ्रूट खाना शुरू कर दें उससे आपको हेल्प हो जाए आप कोई जैसे आप जमजम पीना शुरू कर दें उससे आपको शिफा मिल जाए यानी हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जैसे आप देखें कुछ बीमारियां ना उनके बारे में आते हैं इसकी कोई भी मेडिकेशन नहीं है सही है तो आप कभी भी मायूस नहीं आपने ना खुद होना है ना अपने घर वालों को होने देना है आपने उनको क्या कहना है कि कोई बात नहीं हर बीमारी का इलाज दवाई में नहीं होता अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हमें इतनी सारी चीजें और बताई हैं तो हम इनशाला मसनून इलाज करेंगे आप देखें बिल्कुल जैसे कलौन का तेल हो गया जैतून का तेल है कितनी सारी चीजें हमने देखी ना कोई सा इनको देख भी लेते हैं, क्योंकि ये चीज याद रखें कि अगर कोई दवाई नहीं है उस खास बीमारी के लिए तो ये जो सारे इलाज़ इलाज है ना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ये वही इलाही पर मबनी है जैसे आप देखें कि मसलन मैंने मुझे किसी ने बताया कि किस कोई ऐसी एज ग्रुप में था कि उनको ना केमोथेरेपी हेल्प नहीं कर रही थी जाहिर है एक सर्टेन एज के बाद नहीं उनको दे सकते ना लेकिन माशाल्लाह वो हिजामा करवाती नहीं और उससे उन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जिंदगी तो जो जितनी थी उतनी थी उनकी लेकिन इवन वो स्टेज फोर पर कैंसर था उनका लेकिन उसके बाद भी माशाल्लाह रेगुलर हिजामा फिर आप कि क्लोनजी का तेल शहद ये चीजें वो यूज करती रही हैं और माशाल्लाह शी फॉर अनदर माशालावन इयर्स। तो इसलिए बार दफ़ा ऐसा हो सकता है कि एज की वजह से या और रिएक्शंस की वजह से आप कुछ दवाइयां ना खा सकें तो फिर आप यकीन रखें कि ये जो सारे इलाज ये जो सारी चीजें ये नबी सलम को वही इलाही के जरिए दी गई कुरान में भी कुछ चीजों को मैंशन किया गया तो जब हमारी नीयत और अकीदा होगा इन कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में शिफा रखी है तो वो चीजें हमें बेनिफिट भी करेंगी खास तौर पर शहद फिर आप देखें खजूर का इस्तेमाल और खास तौर पर जितनी भी सिस्टर्स हैं आप लोगों को तो अपनी एक हैबिट बनानी चाहिए कि हर रोज अगर छोटे साइज की खजूरें तो तीन खा लें और अगर बड़ा वो जो मजदूर होती है तो बहुत बड़ी खजूर होती तो वो एक खा ले लेकिन और में एवरी डे खाए एक या तीन तो इससे आप देखें कि तो पर जो फीमेल जितने भी हमारे ऑर्गन है ना उसके लिए उसको जो जितनी भी नरिशमेंट चाहिए वो इन आपको खजूर से मिलेंगी तो आप रेगुलरली ना जैसे अगर आप निहार मुंह इस तरह से कर लें कि तीन खजूरें और जैसे नीम गर्म पानी में शहद तो आप देखना कि कैसे मेरे डाइजेशन भी ठीक रहेगी हारमोन भी बैलेंस रहेंगे तो आप जरूर आप, आपके पास खजूर होनी चाहिए जैसे मैं एक हदीस भी आती है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस घर में बरकत नहीं है जिसमें खजूर ना हो तो जब से मैंने यह हदीस सुनी थी उसके बाद से कभी भी मैंने अपने घर में ना खजूर नहीं खत्म होने दी हर वक्त अलहमदल्ला खजूर होती अजवा खजूर भी रखें बाकी खजूरें भी रखें और एवरी डे आपने अपनी आप देखना कि इन ये जो होते हैं ना मुख्तलिफ हारमोन की प्रॉब्लम और कभी साइकिल रेगुलर नहीं है कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करेगी ये फिर इसी तरह आप देखें जौ का इस्तेमाल इसमें मैं एक और चीज और ऐड कर दूँ इसमें कि बाज दफा ना हम में से हर कोई दलिया नहीं खा सकता ना तो आप देखिए कि मैंने जैसे अभी ये शुरू किया हुआ कि मैं ना ऑमलेट बनाती हूँ दो टी स्पून जो है ना ये डाल देती हूँ ओट्स के तो बस मिनट उसको पकाना है ये जो नहीं होते ओल्ड फैशन ओट, ओट्स होते हैं जो वो वाले तो आप उनको जैसे अंडे में ऑमलेट की तरह डाल के और बस टू मिनट्स कम से कम उसको पकना चाहिए फिर वो सही से पक जाते हैं आप यकीन करें आप अगर वो खाएंगे ना अंडे में डाल के जैसे तो आप आधा दिन फुल रहते हैं यानी वो आपको फुलनेस की फीलिंग देता है तो किसी ना किसी तरह ओट जरूर अपनी डाइट में ऐड करें और अल्हम्दुलिल्लाह अंडा तो हम सभी खाते हैं अः डायबिटिक्स जो है वो एक खा लें एक इंशाल्लाह नुकसान नहीं देती फिर आप तीन ना खाएं लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पफुल है क्योंकि आप देखें कि जो एक चीज याद रखें कि जो फ्रूट्स में शुगर होती है ना वो इतनी हार्मफुल नहीं होती जो ये दूसरी केमिकल वाली शुगर होती है तो जैसे जो आर्टिफिशियल बनाते हैं ना शुगर वो ज्यादा हार्मफुल होती है फ्रूट्स वाली शुगर से तो इसलिए एक खजूर आप एवरी डे खा लें डायबिटिक्स के लिए भी सेव है वो कोई मसला नहीं होगा इन इसी तरह आप देखिये चकंदर ये भी आप कोशिश करें अपनी डाइट में ऐड करें अब ये चीजें जरूरी नहीं आप हर रोज खाएं आप इनको ऑल्टरनेट कर सकते हैं ना जैसे वीक में आप देखिए सैलड में ऐड कर लें इसी तरह आप स्मूदीज चकंदर के लोग बनाते हैं यानी हम इनको स्मूदीज में खा सकते हैं सैलड में खा सकते हैं बहुत सारी और चीजों में खा सकते हैं फिर साथ ही जैतून का तेल इन ये भी जरूर हमने अपनी डाइट में ऐड करना है कलौजी कलौजी में एक और जो जैसे खास तौर पे जब आपको ऐसा होता है ना कई दफा हमें फ्लू होता है अभी मौसम भी आ रहा है ऐसा तो आप देखें कि एक कलौजी के ड्रॉप्स मिलते हैं जो नोज के लिए होते हैं खासतौर पर हर कलौजी का तेल नाक में नहीं डालना चाहिए ठीक है नोज के लिए ड्रॉप्स अलग होते हैं जरा डायल्यूटेड होते हैं और फिर आराम से तो ये जो आपको होता है ना स्टफी नोज हो जाता है और आप रात को जैसे फिर नींद नहीं आ रही तो उसमें ना आप अगर, अगर अपने नोज पे दो दो ड्रॉप्स डाल लेंगे यानी एक एक हर नॉस्ट्रल में एक एक और अपनी जबान पे इसके दो कतरे डाल लें तो इन आप पूरी रात आराम से सोए रहेंगे ये बड़ा हेल्पफुल होता है उन सिचुएशंस में जैसे जब बहुत स्टफी नोज नहीं हो जाता और सांस भी नहीं आ रही तो हम तो लाइक एकदम सारी चीजों को ओपन अप कर देता है बच्चों को भी दे सकते हैं आप वो डायलूटेड वाला दे जैसे मैंने आप सर्च करके देखे ना कि ब्लैक सीड ऑयल फॉर किड्स तो बच्चों के लिए और ज्यादा माइल्ड फॉर्म में अवेलेबल है तो वो ले लें इसी तरह जमजम भी जरूर होना चाहिए हमारे घरों में और फिर ये कि जमजम में आप आप ये कर सकते हैं कि जैसे अगर एक पिक्चर रोजाना जैसे अगर आप एक हमारे घरों में होती है ना कोई ना कोई पानी की जगह या पानी उसको वहां उसमें कंटेन करके रखते हैं जग में हो सकता है कूलर में हो सकता है उसमें थोड़ा सा आप जमजम डाल दें तो वो ना इनशा पूरे पानी में उसकी बरकत आ जाएगी आ, फिर इसी तरह कल मैं उस का लेक्चर सुन रही थी बारिश के पानी के बारे में भी ना तो बारिश के पानी को भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं यानी उसको एक छोटे से बोल में डाल के रख लें और आप देखिए दर्द वाली जगह पर वो पानी लगाएं और फिर ये के उसको उससे अपनी स्किन पे लगाएं तो इनशाला बरकत से और ये सोच के के रहमत वाला पानी है बारिश को रहमत कहते हैं ना तो वो भी इंशाल्लाह शिफा देगा इसी तरह ना मैंने खुद ये ट्राई किया, किया था कि मैं जैसे उम्र करने गई ना तो मुझे जैसे घुटने में दर्द हो रही थी तो मैंने ना जमजम का पानी अपने घुटने पे लगाया था तो वाकई आप देखिए इस पानी में इतनी बरकत और शिफा तो ऐसे होता है ना कई दफा आपको सर में दर्द हो रहा है बैक में हो रहा है शोल्डर में तो आप हाथ पे थोड़ा सा जमजम मल के तो आप उस जगह पर भी लगाए और साथ साथ आते हैं और आयते शिफा पड़े तो इन ये भी फायदा देगा आपको फिर इसी तरह पानी जो है उसका भी इस्तेमाल चाहे जमजम का पानी हो और आम पानी हो और खास पर तो पे बुखार वगैरह की हालत में और फिर आप देखें कि पानी के बारे में ये भी आता है ना कि पाक और पाक करने वाला है तो पानी जो है वो बहुत सारी इमोशनल सिचुएशंस में भी हमें हेल्प करता है जैसे आप देखें बहुत ज्यादा गुस्से की थेरेपी क्या बताई गई है कि आप रुदू कर लेना और इसी तरह आप देखें जैसे आप बहुत ज्यादा अगर गम में ना, है ना यानी एकदम आपको शॉक लगा किसी चीज का और बहुत ज्यादा आप एकदम से शुकअप हो गए आप उसको शावर लें और आप यकीन करें वो बड़ा आपके लिए रिलैक्सिंग होता है शावर लेना आपके इमोशंस को जरा कूल डाउन करता है शावर लेके फिर नफल पड़े दुआएं पड़े तो आप एक बड़ा डिफरेंट सा इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर फिर इसी तरह मेहंदी का इस्तेमाल भी हिजामा पचने वगैरह जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खास खासतौर तो पर ऐसी बीमारियां जिनमें डॉक्टर्स कह देते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है और अब कुछ भी नहीं हो सकता तो उसमें ये सारी मसनून चीजें खासतौर पर आ, हिजामा जरूर करवाए मगर किसी प्रोफेशनल से और यानी अब देखिए आप तो इतने ज्यादा लोग करना शुरू हो गए हैं तो ये मेक श्योर sure करें कि आप जिससे हजामा वो सर्टिफाइड हो कुछ लोगों ने अल्लाह उनको हिदायत दे बस इसको ना जैसे पैसा कमाने का एक तरीका बना लिया और फिर अननेसेसरी वो लोगों को इतने ज्यादा कप्स लगा देते जैसे मुझे किसी ने बताया कि वो कहीं हिजामा कराने गई और उनको पर कप उन्होंने चार्ज किया और उनको 20 कप लगा दी और तकरीबन 400 डॉलर उनसे ले लिए अब आप देखें कि एक इंसान अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स की वजह से ऐसी चीजें करता है तो उसमें कैसे शिफा होगी ना जी हाँ आप देखिए कि जरूर आप फीस भी रखें यानी जो लोग भी करते हैं इस काम को वो बेशक फी चार्ज करें लेकिन ये कि इतना लालच ना हो उसमें सारे ये जो कप्स हैं चाइना से आते हैं और वो बल्क में लेते हैं तो बहुत ही चीप पड़ते हैं यानी ऐसे नहीं है कि आप फाइव सिक्स हंड्रेड किसी को चार्ज करें हो और इतने ज्यादा कप्स लगाए खासतौर पर खबीन को अब देखिए औरतें तो वैसे ही एनेमिक होती हैं और फिर इतने ज्यादा उनको कप्स लगा देना तो आप ना थोड़ा सा पूछा करें और इन चीजों को थोड़ा सा आप पूछें कि मुझे आप कितने कप्स लगाएंगी और सुन्ना पॉइंट मुझे जरूर दो कप्स लगाएं यानी आप देखिए सुनना पॉइंट्स तो मैंडेटरी है फिर उसके अलावा आप उनको बता सकते हैं कि जैसे मसन अगर आपको कहीं शोल्डर में दर्द है बैक में है या मसान आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आप, आपकी आ, मतलब यूट्रस का कुछ मसला है उसके लिए तो आप कुछ एरियाज बता सकते हैं लेकिन इतने ज्यादा कप्स जो हैं, वो लगवाने जरूरी नहीं होते ठीक है फिर इसी तरह आप देखिए खास तौर पर हमने सुनना पॉइंट्स जो है ना ये शोल्डर के पास दो पॉइंट्स होते हैं तो ये तो आप और खास तो पर जिन लोगों को हिजामा से बहुत ज्यादा डर लगता है ना यानी बाज लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या होता है और क्या वो इसमें पता नहीं क्या ऑपरेशन शायद आपका हो जाता है तो जिन लोगों को खास पर तो बहुत ज्यादा डर लगता है ना तो आप बिगनर्स के लिए बेस्ट है कि आप बस सुनना पॉइंट करना वो खाली दो पॉइंट्स होते हैं और वो ऐसे पॉइंट्स है जो कि पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो आप उससे स्टार्ट लें उससे थोड़ा सा आपका डर भी निकल जाएगा थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं इतना डरने की जरूरत नहीं है और फिर उसके बाद आप आहिस्ता और भी फिर कर करवा सकते हैं ठीक है और फिर ये कि ये सोचें कि ये मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था और उनको कहा गया था कि इसमें आपकी उम्मत के लिए शफा है तो जरूर सुन्नत की नीयत से आप इसको कराएं और इसी तरह आप देखें बैक में बहुत हेल्पफुल होता है और साथ ही जैसे नीज वगैरह में अगर दर्द है नीज पे करवाएं उस पर तो भी बड़ा हेल्प करता है मगर वो अगेन प्रोफेशनल किसी से करवाएं और फिर अगर आपके जहन में ये कि कितना फ्रीक्वेंट करवाना चाहिए तो एक साल में चार दफा बहुत है ठीक है यानी आप हर तीन महीने में एक दफा करवा लें तो वो इनशाला आपको फुल एक क्वार्टर का ना प्रोटेक्शन मिलती है बीमारियों से तो साल में चार दफा आपके लिए काफी हर तीन महीने में, में एक दफा काफी और इसी तरह जो मसनून इसकी या जैसे पसंदीदा आप कह सकते हैं डेट्स हैं वो ये है कि जैसे खास तौर पर चांद की तारीखों में ना उन्नीस इक्कीस ये सबसे आइडियल डेट्स हैं तो इन दोनों डेट्स में लेकिन खास खासतौर तो पे अवॉइड करें जो चांद के चढ़ने वाली डेट्स होती हैं यानी जब चांद होता है ना वन टू फिफ्टीन वाली जो डेट्स है ना चांद की उनको अवॉइड करें 17 के बाद कोई भी 17 से थर्टी सारी डेट्स अच्छी हैं बे, बेहतर है ट्वेंटी फाइव तक सेवनटीन टू थर्टी फाइव रखें सॉरी ट्वेंटी फाइव रखें लेकिन उसके बाद में क्योंकि चांद फिर घटना शुरू होता है ना तो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है यस फास्टिंग नहीं फास्टिंग जरूरी नहीं है तीन घंटे पहले जैसे कुछ खा पी लें तो उसके बाद जैसे थ्री आवर्स की फास्टिंग जो है वो जरूरी होती है और फिर उसके बाद आप जैसे थोड़ा सा रिलैक्स करें लेकिन बहुत अच्छा आप इनशाला फील करेंगे इसी तरह आप देखें कि इनशा मसरूम दुआओं से इलाज और उसमें ना बस एक चीज जो बाफ़ा हम दुआएं भी पढ़ते हैं दम भी करते हैं और हमें लगता है कि आ, कोई फायदा नहीं हो रहा तो उसमें आप देखें कि बस एक बात का यकीन होना चाहिए हमें आप जब भी सूर्य फातिहा का दम करें तो आप एक यकीन रखें कि अल्लाह ताला के कलाम में शिफा और जो अल्लाह ने नबी वसल्लम को सिखाया है यानी जो दुआएं वगैरह है शिफा की उनमें भी शिफा तो क्योंकि आप देखिए जैसे इब्ने कईम ये कहते हैं कि दम की तासीर जो है वो पढ़ने वाले के यकीन पर मबनी है यानी मसलन आप देखें कि मैं अगर किसी को पूरे यकीन के साथ सूरह फातिहा दम करती हूँ ना कि मुझे अगर यकीन है कि सूरह फातिहा में शिफा है तो उस शख्स को उससे शिफा मिलेगी लेकिन अगर मैं दम भी करूँ मैं कहूँ पता नहीं इस फायदा होगा कि नहीं बस वो सब कहते पढ़नी चाहिए तो चलो मैं भी पढ़ लेती हूँ तो फिर अगर आपके अंदर यकीन नहीं है तो आपके दम में कोई फायदा नहीं जैसे आप देखें ना कि कलाम असर करता है कलाम का असर कैसे होता है जब उसमें एक फीलिंग आती है ना तो अगर मैं बस ऐसे रूटीन में पढ़ती जा रही हूं दुआएं और मुझे इस बात का कोई वो ही नहीं है मेरे अंदर कन्विक्शन ही नहीं है और ना मुझे यह है कि वाकई चीजें मुझे फायदा दे रही तो वो फायदा नहीं दें तो आपको यकीन होना चाहिए और फिर आप देखें जितना हमारा यकीन मजबूत होता है आप एक दफा दम करते हैं और आपको लगता है कि किसी पेन किलर ने काम किया इस दम ने पेन किलर जैसा काम किया आपके लिए ठीक है <coughs> फिर इसके बाद आप देखें कि जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे मसनून इलाज मौजूद हैं बहुत सारी गजाएं भी हैं और उसके साथ साथ अ, कुछ जैसे दम वगैरह भी अः है तो उसके साथ साथ बाजात इंसान जब बीमारी जैसी परेशानी या मुश्किल में आता है तो वो शिरकिया चीजों की तरफ भी रागब हो जाता है तो हमें ना ये भी पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट क्या है तो शिरकिया इलाज में कुछ ये बातें हैं इसमें जो जो अहादीस है उन सबको आप अंडरलाइन कर लें तो हम वन बाय वन इन सब चीजों को देख लेते हैं कि शिरक आप देखें क्या है शिरक है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को इबादत और अफाल में शरीक कराना अल्लाह ताला के हुक्म का जो दर्जा है उसमें किसी और को भी उतनी अहमियत देना इलाज और जिंदगी के दीगर मामलात में अल्लाह ताला के अलावा किसी और पर ज्यादा भरोसा करना यानी शिरकिया इलाज का क्या मतलब है कि आप एक डॉक्टर की बातों से इतना डर गए सहम गए हैं क्या आपको लगता है कि मेरी बीमारी ला इलाज है अब कुछ नहीं हो सकता और आप जैसे जो आपके आसपास लोग हैं या मुख्तलि इलाज करने वाले लोग हैं उनकी बातों का इतना आप इन्फ्लुएंस लें कि जो वो कहें वो आप करें और आप इस चीज को भूल जाए कि शिफा अल्लाह के हाथ में तो ये शिरक है आप देखें कि बहुत बारीक सी लाइन है ना और वो लाइन क्या है कि बस हमें अपनी नीयत को फिक्स करना है, और वो क्या है? कि डॉक्टर जो मर्जी के शिफा तो अल्लाह की जात देने वाली डॉक्टर जो मर्जी कहे जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में ये बताइए कि क्या डॉक्टर जिस इंसान के बारे में कहते हैं मर जाएगा वो मर जाता है क्या डॉक्टर हर उस इंसान के बारे में जो Uh, सेहतमंद होता है कहते हैं कि ये इसका ऑपरेशन कामयाब हुआ और ये इज परफेक्टली फाइन और वो सरवाइव करता है हमारी यहाँ पे एक स्टूडेंट है तो उनके हस्बैंड um, के साथ उनको कोविड हुआ और वो जैसे वेंटिलेटर um, पे थे फाइव डेज तक उनको रखा वेंटिलेटर पे फिर रिकवर हो गए यानी दस दिन हॉस्पिटल रहे वाप घर आए और फिर नेक्स्ट डे घर आने के एक दिन के बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ और, और फौत हो गई अब आप सोचें कि जब कोई सोच भी नहीं सकता था ना, तब अल्लाह ताला ने उनकी मौत लिखी थी इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कहीं किसी डॉक्टर ने इलाज कर दिया तो मेरी जिंदगी बढ़ जाएगी और डॉक्टर ने ना किया तो कम हो जाएगी नहीं जिंदगी भी अल्लाह के हाथ में दवाइयों में शिफा भी अल्लाह ताला डालते और अगर हमारी जिंदगी बढ़ती है तो अल्लाह के हुक्म से और अगर हमारी जिंदगी खत्म होती है तो भी अल्लाह के हुक्म से एक ईमान वाले को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही इंसानों की बातों में आके उससे अपना इलाज छोड़ना चाहिए फिर आप देखें कि जैसे डॉक्टर ने तो एक बात कह दी ना आपको अब आप देखें आप डॉक्टर के पास उसने कहा है कि आपके नीज बिल्कुल खत्म हो गए हैं अब आपको फौरन नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है मुझे किसी किसी को मैं जानती हूँ ये पंद्रह साल पहले की बात है कि वो कहीं गई हूँ और उन्होंने उनको डॉक्टर ने कहा कि आपकी नीज में ये भी नहीं है वो भी नहीं है और क्योंकि ज़ाहिर उनको चलने में मुश्किल होती थी तो डॉक्टर ने कहा बस नी रिप्लेसमेंट के अलावा ना कोई और आपके पास तरीका नहीं उन्होंने कहा नहीं मैंने नीज नी रिप्लेस करवाने ना वो कहती है कि मैं घर आई तो मैं काफी परेशान थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ताला शिफा देने वाला ना वो कहती है कि एवरी डे में जैसे दुआ है वह कुदरती माजी व हादिरु और कलौंजी के तेल का मसाज वो कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह पंद्रह साल हो गए कोई नी रिप्लेसमेंट नहीं आइए कि कभी कभी चलने में मुश्किल होती है एक तो व्हील चेयर की भी जरूरत होती है लेकिन ये है कि अलहमदुल्ला यकीन की वजह से आप देखें अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी तो इसलिए हमें कभी भी परेशान नहीं और गिव अप नहीं करना आपने क्योंकि जैसे ना एक मेरी दोस्त डॉक्टर है तो वो मुझे बता रही थी कहती कि हम जब मेडिसिन में होते तो हमें कहा जाता है कि आपने हमेशा पेशेंट को वर्स्ट सिनेरियो बताना है और वर्स्ट इसलिए बताने ताकि वो होप्स बहुत बिल्ट ना करे तो कहते कि जब हमारे पास कोई भी मरीज आता है ना तो हम फिर सिनेरियो को बताते हैं और इट्स पार्ट ऑफ दे ट्रेनिंग कि कई मरीज बहुत होपफुल ना हो जाए कि अच्छा नहीं इतना कोई मसला नहीं है और ऐसे ऐसे तो अब देखें उनका एक और उनको ये भी होता है कि ऐसा ना हो कि मरीज इतना होपफुल हो जाए और फिर ठीक ही ना हो बहर आपने किसी भी इंसान की बातों को बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना आपने वह की जात पे भरोसा रखना है और आपने यकीन रखना है कि अल्लाह ने बीमारी उतारी तो उसके हाथ में शिपाए किसी इंसान के नहीं, ठीक है और तोहीद क्या है जो हमारी इस किताब का जिस पर बेस्ड है ये तोहहीद है व नुसुकी व न व ममाती रब कि मेरी इबादत भी कुर्बानियां मेरी जिंदगी चाहे उसमें बीमारियां तकलीफ है सब अल्लाह के लिए मैंने सब्र करना है तो अल्लाह के लिए बर्दाश्त करना है तो अल्लाह के लिए अल्लाह ने ही जिंदगी दी है अल्लाह ही सेहत देगा ठीक है फिर आप देखें कि शिरकिया इलाज में नंबर वन चीज जो बहुत कॉमन है वो है तावीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने तमीमा या तावीज तावीज गले में डाला उसने शिर्क किया तावीज क्या होता है अब आप देखें कि कुछ चीजों को लिख के एक पेपर पे और फिर बच्चे के गले में डाल दिया जाता है या कहा जाता है कि इसको आप पहन ले उसकी तो बरकत से यू you नो know, जो भी बीमारी है जैसे बच्चों को नजर लग जाती है तो उनके गले में या बाजू पे काला धागा बांध देते ऐसी चीजें तो ये शिरक में आती क्यों क्योंकि आप एक कागज पे भरोसा कर रहे हैं वो जात जो के शिफा देने वाली उसको भूल गए मैंने आपको शुरू में बताया ना कि अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा करना तो जो भी बुजुर्ग है या आमिल है जिसे तावीज बना के दिया है, आपको अल्लाह से ज्यादा अगर उस पर भरोसा है तो ये शिरक है बिल्कुल तो इसलिए तावीज गलों में नहीं डालना फिर इसी तरह आप देखें कि कुछ लोग अपने घरों में घोड़े की नाल भी लटकाते हैं यानी मैंने एक दो घरों में देखा तो फिर मुझे यकीन आ गया कि वाकई लोग ऐसे करते हैं। और वैसे आप देखें इसका इस्तेमाल क्या है कि घोड़े को ज्यादा तेज भगाने के लिए उसके पाओ के नीचे लोहे की कोई चीज लगाई जाती है उसको लगाने से घोड़ा तेज भागना शुरू कर देता है लोग कहते हैं कि उसको लगाने से हर काम तेज हो जाता तो अब जो लोग अपने घरों घरों में घोड़े की नाल लटकाते हैं यानी हैंग करते हैं उसको तो उनका अकीदा क्या होता है कि जादू बद बीमारी या हादसात से महफूज रहने के लिए गाड़ी मकान या दुकान वगैरह पर घोड़े की नाल लटकाना या काले धागे वगैरह बांधना अल्लाह ताला पर अदम एतमाद का इजहार है और शिरक है इसके बजाय अल्लाह से पनाह और हिफाजत तलब करने वाली मसनू दुआएं पढ़नी चाहिए इसी तरह आप देखें कुछ लोगों ने वो भी जो कुरान की वो जो आयात है ना हरूफ मुक्त वो भी लटकाए होते हैं ना अपने घरों में तो आप देखें कि सिर्फ कुछ चीजों को लटका लेना और ये सोचना कि इसकी वजह से अल्लाह हिफाजत करेगा तो उन चीजों पर भरोसा ना करें अल्लाह की जात पर करें फिर इसी तरह आप देखें कि पैदाइशी पत्थर या बर्ड स्टोन बिल्कुल गीदर सिंगी भी रखते हैं एग्जैक्टली exactly. किसी की तारीख पैदाइश और मुख्तिक पत्थरों को मनसूख करना और फिर उनको अंगूठियों में बांधना और नेक शगुन या बीमारी के इलाज के लिए पहनना रसूल सल्लम के अमल या सुनत से साबित नहीं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी बीमारी के इलाज के लिए कोई पत्थर रिकमेंड नहीं किया कभी ना उन्होंने खुद पहना और ना उन्होंने कभी साहबा कराम को इसकी तरगीब दी और ना ही साहबा कराम ने ऐसा किया अच्छा ये कहा से आया फिर अब देखिए कि ये स्टोन का जो वो है ना ये बहुत पुराना है लेकिन ज्यादातर फिर आप देखिए कि ये बुद्धिस्ट में भी काफी है फिर इवन हिंदूज में भी काफी है लेकिन मुस्लिम कल्चर में ये चीज नहीं थी जब तक मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रहे तो इसलिए उनके अंदर ये जो है ना जैसे वो बहुत हाईलाइट करते हैं ये लकी है जैसे फिरोजा आप देखें पत्थर जो होता है उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है लकी है या अनलकी है आप ये पहने ये पहने तो पत्थरों में कोई शिफा नहीं है शिफा देने वाली अल्लाह की जात है ठीक है फिर इसी तरह आप देखें कि को आपका दिन कैसा गुजरेगा ये तो पाकिस्तान में तो अखबार में हर अखबार में आता था जी हाँ वैसे आप देखें अगर ज्वेलरी में स्टोन लगे हुए तो कोई हर्ज नहीं लेकिन गलत क्या है या हर्ज किस में है कि जब आप ये सोच के पहने कि ये स्टोन मेरा लकी स्टोन है और इस इससे यू you नो know, कोई गुड लग मुझे मिलेगी या मुझे फायदा होगा ठीक है तो अब आप देखिए कि जैसे ये इल्म में आता है ना सारा कि आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा जैसे आपको कहा जाए कि अच्छा आपका स्टार जो है वो टॉर्स है तो इसलिए आपको इस महीने कारोबार नहीं करना चाहिए आपको दिसंबर के महीने में निकाह नहीं करना चाहिए शादी नहीं करनी चाहिए और आप ना करें तो ये चीज शिरक है ठीक है यानी सितारों का इल्म क्या होता है कि आपका पैदाइशी निशान ये कह रहा है और फिर बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, आप देखें कि बहुत सारी शादियां इस वजह से टूट भी गई कि उन्होंने कहा कि मेरा स्टार ये और मेरे हस्बैंड का ये है इसीलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई यानी आप देखें कि कहाँ पीछे जाए ना आप ये तो शायद एटीन या नाइनटीन सेंचुरी का इल्म होगा शायद इस तरह की चीजों का लेकिन उससे पहले कहीं हमने देखा आप हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को देखें ना क्या सहाबा साहबियात की जब शादियां हुई तो वो देखा गया था कौन कब पैदा हुआ था कौन सी तारीख और उनके आपस में सितारे मिलते हैं कि नहीं अब देखिये निका की बरकत से बहुत सारी चीजें हो जाती दूसरा ये कि मिजाजों का मिलना दिलों का मिलना अल्लाह तला का रिस्क है ये रूहें मिल जाती हैं बाफा हो जाता है बाजफ़ा नहीं लेकिन फिर भी निकाह की बरकत से अल्लाह ताला आपस में मोहब्बत डाल देते हैं। वो सितारों का अख्तिलाफ नहीं होता मिजाजों का अख्तिलाफ होता है जिसको लोग क्या करते हैं कि सितारों के साथ रिलेट कर लेते हैं। इनके सितारे नहीं मिलते सितारों की बात नहीं मिजाज नहीं मिलते अच्छा अब आप देखें कि जैसे मसलन क्या आप दुनिया में जितने भी इंसान हैं जो आप जिनको जानते हैं कि आपकी हर एक के साथ अंडरस्टैंडिंग है ये बताइए क्या हर कोई आपके साथ बैठता है और आप बस घुल मिल जाते हैं और क्लिप कर जाते हैं नहीं ना तो जब आप देखें कि हर इंसान के साथ हमारा मिजाज नहीं मिल रहा तो इसी तरह हो सकता है कि आपकी जिनसे शादी हुई वो भी आप उस तरह नहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाई मे बी यू नो मिजाज मुख्तलिफ है आदात मुख्तलिफ है होती है लेकिन हम साथ रहते हैं ना क्या हमारे सारे बहन भाइयों की आदत एक जैसी है लेकिन हम रहते हैं क्या आपको अपने भाई से मोहब्बत नहीं है बहन से मोहब्बत नहीं है अम्मी अबू से नहीं है लेकिन क्या आपका मिजाज हर एक से मिलता है नहीं मिलता है ना तो फिर ये मोहब्बत किसने डाली अल्लाह ताला ने डाली और हमने कोशिश भी की हमने कुछ बातें जो मुझे भाई की अच्छी नहीं लगती थी मैंने इग्नोर की जो अच्छी लगती थी उन पे ज्यादा फोकस किया कुछ बातें बहन की अच्छी नहीं लगती मुझे लेकिन जो अच्छी लगती उनको फोकस किया जो नहीं लगती उनको इग्नोर किया इस तरह हमने इतने साल अपने बहन भाइयों के साथ गुजारे लेकिन जब शौहर की बात आती है तो सिर्फ हमें बुराइयां नजर आती ये भी नहीं है वो भी नहीं है और फिर वो बुराइयों को हाईलाइट कर करके सितारे नहीं मिलते। हाँ नहीं कहना चाहिए सितारे गर्दिश में ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप देखें कि ये सितारा शनासी और नज़ूम के जरिए मुस्तबिल में पेश आने वाले अच्छे बुरे वाकयात अच्छी बुरी सेहत हती की जिंदगी मौत के हाल मालूम कर लेना और उस पर भरोसा कर बैठना ये तमाम के तमाम लव और गैर इस्लामी मुशागिल है यानी इन चीजों से दूर रहे सितारे गर्दिश के बजाय ना ये जैसे इस तरह से कह दें कि बस अल्लाह सुबह आसानी करे नो you know, काफी निकल्टीज आ रही है स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है लाइफ का तो क्योंकि वो एक कोई भी ऐसी बात ना जो कि शिरक का रास्ता खोलती हो एक ईमान वाला जो है ना उन चीजों से महफूज रखता है अपने आप को जैसे आप देखें कि वो ना सही बुखारी में हदीस है नहीं कि हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है लेकिन इनके दरमियान कुछ चीजें मुश्तबे हाथ है तो ईमान वाला जो हमेशा मुश्तबे चीजों से बचता है तब ये कि वैसे आपकी नीयत नहीं है कि आप मसकोप यकीन रख लें या कुछ लेकिन चूंकि उसमें एक ऐसी बात निकलती है तो इसे हमें अवॉइड करनी चाहिए यानी उसमें चूंकि शिरक का पहलू निकलता है ना उस बात में जैसे आप देखें कि आप माशा अलहुदा की स्टूडेंट हैं और आप कहीं हंसी मजाक में कह दें लगता है इनके सितारे गर्दिश में तो वो फिर हो सकता है कि लोगों के दिलों में ये ख्याल लगता है ये भी एस्ट्रोलॉजिस्ट पे यकीन रखती हैं इसी तरह किसकी बात कर रही हैं तो लोग कुछ भी समझ सकते हैं ना आपकी आपकी नीयत बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन अगर आपका आपकी बातों से एक शक वाली बात दूसरे के दिल में आ सकती है तो फिर हमें ऐसी बातें अवॉइड करनी चाहिए फिर आप कि जब इंसान अल्लाह पे तवक्कुल करता है और इन बातों पे तवक्कुल नहीं करता और इन पे भरोसा नहीं करता तो फिर ऐसे लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे सुबह अल्लाह नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से सत्तर हजार आदमी जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होंगे ये वो लोग हैं जो ना शिरक करते थे और ना शगुन लेते थे ना दाग लगवाते थे बल्कि अपने रब पर भरोसा करते थे यानी शगुन आप देखें यही होता है ना जैसे सितारों से अच्छा मेरे सितारे क्या कहते हैं ये तारीख अच्छी है ये दिन अच्छा है या नहीं ये महीना अच्छा है या नहीं जैसे आप देखें कुछ लोग सफर के महीने में शादी नहीं करते ट्रैवल नहीं करते वो कहते हैं ये मनहूस महीना है दाग वो था ना आग से इलाज नहीं जो होता कैटराइजेशन जो होती है अभी भी करते हैं ना आग लगा के इलाज वो उसको पसंद नहीं किया गया अल्लाह पे भरोसा रखे इनशा फिर आप देखें एक और चीज भी है जो बड़ी कॉमन है वो है इमाम जामिन मुश्किल और तकालीफ से बचने के लिए नीज दुनियावी मकासद में कामयाबी हासिल करने के लिए इमाम जामिन बांधना भी फेल है बाज अकवा मुसाफिरों को सफर की इब्तदा में ये बाजू पर बांधते हैं जबकि मुसलमानों को ऐसे मौाक के लिए बेहतरीन दुआएं बताई गई इमाम जामिन आप देखे मैंने तो देखा लोग मंगनियों पे बांध रहे होते हैं मंगनी या शादी निकाह वगैरह के मौके पर और वो बाज तो जैसे वो अः उस पर कुछ लिखा होता है बाज क्या करते हैं कि वो बीच में पैसे डाल के पता नहीं सवा रुपया शायद होता है सवा रुपये के सिक्के होते हैं या कुछ और वो बांध के और फिर उसको बाजू में बांध देते यानी सवा रुपये में तो आज कल कोई कैंडी भी नहीं आती लेकिन आप देखें कि क्या एक कपड़े या उसके बीच में पैसे बांधने से क्या हो जाएगा वो पैसे आप अगर सदका कर दें तो शायद किसी को फायदा हो जाए बाजू पे बांधने से क्या फायदा हो? तो आप ये सारी कमजोर अकीदे की अलामतें ना हमें हमारे प्यारे नबी ने इतनी प्यारी दुआएं सिखा दी कि जब कोई मुसाफिर जा रहा है तो आप उसको क्या कहें इसल इस्त, दीन का वह अमानत का व खवातीम अमली का मैं तेरा दीन तेरी अमानत और तेरी जिंदगी के आखिरी अमाल को अल्लाह के सपुरद करता और दूसरी दुआ क्या है इसता जी ला तुदी अदाया मैं तुम्हें तो उस अल्लाह के सपोर्ट करता हूँ जिसके सपोर्ट की भी चीजें जाया नहीं हो यानी अल्लाह उनकी हिफाजत करता है आप देखें इससे बेहतरीन दुआ कोई हो सकती है जब बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं कोई मुसाफिर घर से बाहर जा रहा है कोई घर से मूव हो रहा है कितनी बेहतरीन और जामे दुआएं हैं हम क्या कहते हैं अल्लाह जैसे हम ये नहीं कहते अल्लाह के हवाले बिल्कुल वैसे ही है कि आपने अपने घर वालों को अल्लाह के हवाले कर दिया क्या अल्लाह ताला से बेहतर किसी की हिफाजत हो सकती है इस दुनिया में कि वो छोटा सा कपड़ा बांध दे बस इमाम जामिन यानी आप देखें नाम भी बाजा सुन के हंसी आती ना कि इमाम यानी ये जो छोटा सा कपड़ा बांधा है बाजू पे ये एक तरह से गाइड है जो जमानत है कि तुम्हारी हिफाजत करेगा ना उस बिल्ला यानी आप इमेजिन करें कि धागे पर कपड़े पर पत्थर पे यानी इन चीजों पर या स्टार्स में उन जो अच्छा ये सारी चीजें बनाई हुई किसकी है अल्लाह ताला की? सितारे किसने बनाए अल्लाह ने चांद किसने बनाया अल्लाह ने, ने? इंसानों को किसने बनाया अल्लाह तला ने पत्थर पहाड़ किसने बनाए अल्लाह ताला ने जो बनाने वाला है उसको छोड़ के उसकी जो बनाई हुई चीज है उन पर भरोसा कर रहे आपके पास किताब है किताब में आपको मिल जाएगी ना दुआ इसी तरह अगर आप आ, सफर की दुआओं की ऐप है अलहुदा की जो अलहुदा इंटरनेशनल की एप्स है ना उसमें भी आपको सफर की दुआओं में मिल जाएगी फिर आप कि एक चीज जो हमारे अंदर ईमान को मजबूत करती है ना क्योंकि है, ये सारी चीजें कब जमन जन्म लेती हैं? कब इंसान शिरकिया इलाज की तरफ माइल होता है जब वो अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी नहीं होता ना जैसे आप देखिए बाजवा औलाद नहीं हो रही तो फिर शिरकिया चीजों में औरतें पड़ जाती हैं शिरकिया काम करना शुरू कर देती हैं कि किसी तरह औलाद हो जाए या मसलन बार बार बच्चे पैदा होते हैं फौत हो मिस कैरेज बार बार हो रहा है तो जब इंसान की वीक मोमेंट होती है ना तो उस वक्त फिर उसे कहा जाता है फला बुजुर्ग हैं तो फला वो हैं वो दुआएं करते हैं कुरान से इलाज बताते हैं सारा लेकिन आप देखें आपके हाथों में कुरान है आपको किसी बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं है ना बुजुर्ग के पास जाने की जरूरत है अल्लाह ने आपके घर में किताब रख दी है जिसमें हर चीज की शपा और इलाज है और फिर अल्लाह के हर फैसले में खैर है कलबा वल्लाहु बे बिल्लाबा वाहिशीन कोई मुसीबत नहीं पहुंची मगर अल्लाह के इजन से और जो अल्लाह पर ईमान ले आए तो अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देता है और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है तो आप देखें कि हर मुश्किल के वक्त अगर हम अपने आप को ये जुमला बोलना शुरू कर देना ये अल्लाह की तरफ से है और इसी में खैर है तो फिर क्या होगा अल्लाह हमारे दिल को हिदायत दे देगा कि इस वक्त तो तुम्हारे करने का काम क्या है और फिर ये बहुत ही प्यारी हदीस है जिस इंसान को ये हदीस समझ आ जाए ना उसकी जिंदगी की हर मुश्किल आसान है से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक हकीकत होती है और कोई शख्स उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पहुंच सकता जब तक उसे ये यकीन ना हो जाए कि उसे जो चीज पहुंची वो उससे खता नहीं हो सकती थी और जो चीज खता हो गई उसे पहुंच नहीं सकती थी जुबान अल्लाह यानी जो मुझ पर मुसीबत परेशानी बीमारी मुश्किल आई वो आनी थी चाहे मैं जो मर्जी करूं, क्या फुली वैक्सीनेटेड लोगों को कोविड नहीं हो रहा क्या बेहतरीन आप देखें अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले लोगों को कि सारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती यानी इस तरह से बीमारी आती कि इंसान जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता तो ये जो मुसीबत आजमाइश लिखी है बीमारी लिखी है वो आएगी और फिर जो नहीं वो पहुंच नहीं सकती जो कोई जो मर्जी करे आप देखें कितने माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं अल्लाह उन सबको जजाय खैर दे उनके दर्जात बुलंद करे दीन दुनिया आखरत में कि जो कोविड के पेशेंट्स का इलाज करते हैं लेकिन माशाला अल्लाह तला ने उनको महफूज रख कुछ लोग ऐसी बीमारियों का डॉक्टर्स इलाज करते हैं जो बड़ी कंटेजियस होती है लेकिन अल्लाह ताला उनको महफूज रखते हैं। और कुछ डॉक्टर्स को हो भी जाता है अब क्या है कि जिनको हो जाता है बस उनकी तकदीर में था वो नहीं बच सके हालांकि उन्होंने सेम प्रिकॉशंस ली ले। लेकिन जिनके लिए अल्लाह ने नहीं लिखा था उनको हो गया उनको नहीं हो सका तो बस ये यकीन और ईमान रखें ठीक है और आप देखें कि आखिरी बात इंशाल्लाह आज के लेसन की इबन कईम राहुल्लह कहते हैं कि अल्लाह की तकदीर पर राजी होना अल्लाह का बहुत बड़ा दरवाजा है और दुनिया की जन्नत है और इबादत गुजारों के लिए आराम है, और शौक रखने वालों की आंखों की ठंडक जो इंसान अल्लाह रजा पर राजी हो जाता है उसकी दुनिया उसके लिए जन्नत बन जाती